इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2023 का 12वां ओडीआई मैच जो कि कल दोपहर 3 बजे खेला जाने वाला है। आज फाइनली इस मैच में आपको मैं बताऊंगा कि किस किस प्लेयर को आपको अपनी टीम में कंसीडर करना चाहिए, किसको अपनी टीम से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये मैच जैकपॉट होने वाला है। मतलब कि इसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करके बहुत सारा अमाउंट्स विन कर सकते हो। तो कैसे करोगे वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में सारे खिलाड़ियों का स्टेट्स, प्लेयर बैटल, ओवर बॉलर बाय बॉलर्स, उसके बाद सीबीसी का कंटेंडर, ट्रम्प कार्ड पेयर और एक यूनिक स्ट्रक्चर पे आपको मैं दो ऐसी टीम देने वाला हूँ ना जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में भी मैंने 3 गिववे रखा हुआ है, एक तो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का, उसके बाद दो गिववे और है जो वीडियो में मैं कहीं भी सवाल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट विनर बनना चाहते हो ना तो फटाफट से जाकर के प्यारा सा कमेंट करो, ठीक है ना, ताकि आपको मैं विनर बना सकूं, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम जान लेते हैं ये जो मैच खेला जाने वाला है, ये मैच आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका के अंदर खेला जाने वाला है 15 सितंबर, यानी कल दोपहर 3 बजे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों का समर्थन मिलता है, लाइक मिलता है तो हमें मोटिवेशन और हिम्मत ताकत मिलती है। तो फटाफट से एक लाइक तो बनता भाई, लाइक कर दो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई फ्रेश वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फटाफट से ये दोनों काम कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं ओडीआई स्टेट्स एट दिस वेन्यू, पार्टिकुलर इस वेन्यू पे पिछले मैचों का क्या रिकॉर्ड है, ये जानना हमारा जरूरी है एक यूनिक टीम क्रिएट करने के लिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो करना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे फिटनेस से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको देता हूं और फाइनल ओरिजिनल टीम भी मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि टॉस के बाद पिच बिहेवियर बदल सकता है, उसके बाद कुछ खिलाड़ी भी चेंज हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको फाइनल टीम वहीं पे देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी टॉप पे पिन किया हुआ है, जहां आप बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर दोस्तों देख लेते हैं टोटल मैचेस। इस ग्राउंड पे 132 खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 78 मैचेस को विन किया है, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 54 मैचेस को विन किया है। तो यहां पे आप देखोगे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना भाई वो बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग में बैटिंग का तो 243 का है, वहीं पे हाईएस्ट स्कोर रहा इंडिया 375 रन बनाया था 5 विकेट के नुकसान पे। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो नेदरलैंड्स ने यहां 86 रन पे 10 विकेट अपना फेंक दिया था। अब यहां पे थोड़ा सा स्कोरिंग पैटर्न पे आप नजर डालेंगे तो यहां पे देखेंगे 200 से नीचे 21 बार बना है, वहीं पे 200 और 249 के बीच में 52 बार बना है, और यहाँ पे 250 और 299 के बीच में 37 बार बना है, और 300 से ऊपर यहाँ पर 22 बार बना है। तो ये चीज़ आपने देखा। अब दोस्तों यहाँ पर वेदर रिपोर्ट हम जान लेते हैं, क्योंकि वेदर रिपोर्ट जानना भी ज़रूरी है, श्रीलंका का आप जानते ही हैं मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो वेदर रिपोर्ट जानना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर 27.3 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी तक नापा गया है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी आपको 85% देखने को मिलेगा, 97% बारिश होने के चांसेस हैं, 97%। तो यहाँ पर बारिश हो सकती है भाई, तो उस कंडीशन में कौन कौन खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पेसर्स को विकेट से मिल सकते हैं, क्या फिर से स्पिनर को यहां पे टर्न मिल सकता है, तो ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं रिसेंट मैचेस जो अभी तक यहां पर हुए हैं उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं ना, तो आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कर लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैं आपसे बात कर पाता हूँ। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जाकर के फटाफट से फॉलो कर लो। उसके बाद आपको फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना चाहिए, लिंक आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जाकर के ये दोनों काम कर लो, चूँकि फेसबुक पेज पर भी मैं अपडेट रहता हूँ। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं 12 सितंबर को एक मैच खेला गया था
इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। यहां पे इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए 213 रन पे 10 विकेट अपना फेंक दिया था, वहीं श्रीलंका 172 रन पे ही अपना 10 विकेट फेंक दिया था। मतलब कि श्रीलंका इस मैच को हार गई थी, अभी अभी रिसेंट हुआ है, ठीक है ना। यहां पर पेसर्स को देखेंगे, फर्स्ट इनिंग में देखेंगे जो विकेट्स गिरे हैं वो यहां पर 10 विकेट गिरे हैं, ठीक है ना, इंडिया का। वहीं पर सेकेंड इनिंग में देखेंगे आप तो यहां पर सेकेंड इनिंग में भी 10 विकेट गिरे हैं, टोटल 20 विकेट यहां पे गिर गए हैं, ठीक है। अब देखो 10 सितंबर 2023 को यहां पे मैच देखोगे आप तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था। इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए 356 रन का एक शानदार पारी खेला था, वहीं पर 2 ही विकेट मतलब गिरा था, ठीक है, इंडिया का। अब देखो यहां पर पाकिस्तान 128 पे ही अपना 10 विकेट खो दिया था। इंडिया ना यहां भारी रनों से विजय प्राप्त किया था। अब देखो यहां पर फर्स्ट इनिंग में 2 ही विकेट गिरे थे इंडिया का, और सेकेंड इनिंग में यहां पे 10 विकेट गिर गए थे, टोटल यहां पे देखोगे आप तो 12 विकेट यहां पे गिरे थे। अब देखो यहां पे 9 सितंबर 2023 को श्रीलंका और बांग्लादेश का ही मैच हुआ था, 257 रन श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करते हुए 9 विकेट के नुकसान पे बनाया था, वहीं बांग्लादेश 236 रन पे यहां पे 10 विकेट अपना फेंक दिया था। अब देखो यहां पे फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिरा था, उसके बाद सेकेंड इनिंग में 10 विकेट मतलब टोटल 18 विकेट यहां पे गिरा था। अब देखो यहां पे 26 अगस्त 2023 को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ था, पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करते हुए 268 रन पे 8 विकेट फेंक दिया था, वहीं पे अफगानिस्तान यहां पे 209 रन पे ही अपना 10 विकेट खो दिया था। अब देखो यहां पर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे थे, 7, उसके बाद सेकेंड इनिंग में यहां पे 10 विकेट गिरे थे, टोटल 17 विकेट यहां पे गिर गए थे। तो यह चीज आपने देखा। अब इसको देखते हुए आपको मतलब के एक अनुमान लगाना है कि इस मैच में क्या हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहां पर सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट, भाई ये जरूरी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। अब यहां पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो पिछले 10 मैचों में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, इंडिया और बांग्लादेश, तो क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो इंडिया 6 मैचेस को विन की है और सिर्फ 4 मैच को लॉस की है, वहीं पे बांग्लादेश 4 मैच को विन की है और 6 मैचेस को लॉस की है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप देखोगे बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का पलड़ा भारी है। अब देखो यहां पे बॉलिंग स्टेट्स ऑफ लास्ट 4 मैचेस की आप बात करेंगे, देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको पेसर टोटल 4 मैचों में 31 विकेट से लेकर गए, वहीं पे फर्स्ट इनिंग में 14 और सेकेंड इनिंग में यहां पे 17 विकेट्स, टोटल मतलब के दोनों इनिंग्स के लिए पेसर यहां पे अच्छे खासे विकेट से लेकर जाते हैं। अब देखो यहां पे स्पिनर्स पेसर पे हावी है, यहां पे 34 विकेट्स पिछले 4 मैच में स्पिनर्स को मिले हैं, और फर्स्ट इनिंग में 13 और सेकेंड इनिंग में 21, सेकेंड इनिंग के लिए यहां स्पिनर बहुत ही अच्छे खासे विकेट से लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो जरूर से इस पे नजर रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे बढ़ते हैं, और दोस्तों यहां पर इंडिया का प्रोबेबल 11 यहां पे देख लेते हैं, प्लेइंग 11, तो देखो रोहित शर्मा और सुमन गिल ये दोनों ओपनिंग करता हुआ आपको दिख जाएगा, उसके बाद विराट कोहली वन डाउन पे आएगा, लोकेश राहुल चौथे नंबर पे, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा मतलब चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ऑलरेडी इंडिया मतलब पहले से ही एशिया कप के फाइनल में जा चुकी है, तो यहां पर मतलब कुछ भी हो सकता है, एक दो खिलाड़ी इधर से उधर हो सकता है, यहां पे मोहम्मद शमी भी सिराज की जगह खेल सकता है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे बढ़ते हैं, और यहां पर बांग्लादेश का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, तो यहां पर मोहम्मद नईम और लिटिल दास ये दोनों ओपनिंग करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। वहीं पे तौहीद यहां पे वन डाउन पे आएगा, साकिब अल हसन चौथे नंबर पे, उसके बाद अनामुल हक आएगा, और मेहदी हसन और समीम हुसैन, उसके बाद नसूम अहमद और तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद। इसमें मुशफिकुर रहमान नहीं खेल रहा है, ठीक है ना, ये चीज आपको जानकारी हो जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये बांग्लादेश का प्लेइंग 11 रह सकता है, अगर इन दोनों टीमों में कुछ भी बदलाव हुआ ना तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल यहां पे ज्वाइन कर लेना, चूंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना, फटाफट से ज्वाइन कर लो। चलो आगे बढ़ते, यहां पर विकेट के विशेषण की बात करें तो यहां पर इंडिया की तरफ से 2 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे, लोकेश राहुल और ईशान किशन, ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर लोकेश राहुल देखोगे 39 रन, उसके बाद 111 रन, हेड टू हेड में अच्छा एवरेज है 43 का है, उसके बाद वेन्यू पे 78 का एवरेज है, तो लोकेश राहुल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। वहीं ईशान किशन की बात करेंगे तो ईशान किशन नीचे खेलने आएगा, तो यहां पर ईशान किशन को कैसे लेके जाना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो पिछले मैच में 33 रन का स्कोर किया था, उसके बाद यहां पर 210 का एवरेज है, एक ही मैच में हेड टू हेड में 210 बनाया था,
और वेन्यू पे यहाँ पे 31 का एवरेज है। तो ईशान किशन को, जैसे कि आप ज्यादा टीम बनाते हो ना भाई, तो लोकेश राहुल की जगह आप ड्रॉप करके ईशान किशन को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। मतलब ज्यादा टीमों पे लोकेश राहुल को लेके जाना, क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लोकेश राहुल को खेलने की, चौथे नंबर पे आएगा। अब देखो बांग्लादेश की तरफ से यहां पर लिटल दास और अनामुल हक, ये दो खेलता हुआ दिखेगा। तो यहां पर अनामुल हक, देखो यहां पर पहले बात करें लिटल दास की, 15, 16, 25, यहां पर देखो कि हेड टू हेड में 33 का एवरेज है और वेन्यू पे 15 का एवरेज है। तो लिटल दास मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं तो लेके नहीं जाने वाला, लेकिन आप ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई कर सकते हो। अनामुल हक की बात करें यहां पे 72 रन, उसके बाद 43 रन, 33 रन, मतलब अच्छा पिछला जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। यहां पे देखो 25 का एवरेज है हेड टू हेड में और 14 का एवरेज है वेन्यू पे, तो कोई खास नहीं है, तो मैं भी यहां पे कट मारूंगा, मैं लेके नहीं जाने वाला। लेकिन ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो ज्यादा टीम बनाते हो तो एक एक करके ट्राई आप कर सकते हो। चलो अब यहां पे बैटिंग सेशन में हम देख रहे थे इंडिया की तरफ से तीन खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखेंगे, रोहित शर्मा, सुमन गिल और विराट कोहली। ये तीनों खिलाड़ी आपको इंपॉर्टेंट होते हुए दिखेंगे, कब दिखेंगे, जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती हुई आपको दिखेगी, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बात करें रोहित शर्मा, यहां पे 53, 56, 74 लगातार तीन मैचों में जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में देखेंगे 61 का एवरेज है, वेन्यू पे 30 का एवरेज है, तो रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में भी। सुमन गिल की बात करें भाई, यहाँ पे 19 रन, 58 रन, 67 रन, सुमन गिल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वेन्यू पे 38 का एवरेज है, तो सुमन गिल को भी आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। ये दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विराट कोहली भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पिछले मैच में 3 रन पे ही वल्लागे को अपना विकेट फेंक दिया था, मतलब बहुत ही इजीली फेंक दिया था विकेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 67 का एवरेज है हेड टू हेड में, उसके बाद 107 का एवरेज है वेन्यू पे, तो विराट कोहली भी आपको वन डाउन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। तो कैसे, मैं आपको टीम पे बता दूंगा, टीम मैं किस तरह का दिया हूं उस पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे लेना, ठीक है। अब देखो बांग्लादेश की तरफ से यहां पे तीन खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे, मोहम्मद नईम, उसके बाद तौहीद और शमीम हुसैन। अब देखो यहां पे मोहम्मद नईम की बात करें तो 21 रन, 20 रन, 28 रन, मतलब एवरेज पारी आप वो खेल के दे सकता है। वेन्यू पे यहां पे 21 का एवरेज है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड नहीं है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, अदरवाइज आप छोड़ के चल सकते हो। तौहीद को यहां पर ये देखो 82 रन पिछले मैच में बनाया था, उसके बाद यहां पे वेनी पे 82 का एवरेज है, तो तौहीद को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, कुछ टीमों पे ट्राई करना, कुछ टीमों पे छोड़ के चल सकते हो। शमीम हुसैन की बात करें तो इग्नोर करूंगा मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम दोस्तों देख लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बताने से पहले मैं आपसे गिववे का सवाल पूछ लेता हूं। तो गिववे का सवाल है, आज का जो गिववे का सवाल है वो है साकिब अल हसन के फैंटेसी पॉइंट्स कितने होंगे, फटाफट से जवाब दो। अगर आप भी नेक्स्ट विनर बनना चाहते हो ना गिववे का, तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट करो ताकि दिल को छू जाए, जाओ फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट कर दो। चलो यहां पर हम दोस्तों देख लेते हैं कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, ये तीन खिलाड़ी आपको इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। अब देखो इंडिया में ऑलराउंडर सेक्शन में क्या, मतलब कौन कौन खिलाड़ी अच्छा होगा वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर ये देखो, यहां पर हार्दिक पांड्या तो हर हाल में लेके आपको जाना चाहिए इस मैच में, चूंकि आपको मतलब बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है और बॉलिंग से भी, तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हेड टू हेड में यहां पे देखोगे तो कोई खास है ही नहीं, दो मैच में 3 विकेट लेके गया हुआ। वेन्यू पे यहां पे देखोगे 6 मैच में 6 विकेट, मतलब 6 विकेट लेके गया हुआ है और 10 का बैटिंग से एवरेज है, तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो बहुत नीचे उतरेगा, तो उतना कोई खास मतलब नहीं होगा। लेकिन आप बॉलिंग के पॉइंट्स को देखोगे, बॉलिंग अटैक को देखोगे, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग से आपको अच्छे विकेट से लेके दे सकता है। अब रविंद्र जडेजा की बात करें, यहाँ पे 4 रन, 2 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, यहाँ पे 3 विकेट, यहाँ पे देखोगे भाई 33 का एवरेज है हेड टू हेड में बैटिंग से, उसके बाद 11 मैच में 11 विकेट लेके गया हुआ। वेन्यू पे यहाँ पे 3 मैच में 2 विकेट है और 64 का बैटिंग से एवरेज है, तो यहाँ पे ये भी खिलाड़ी, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना भाई, अक्षर पटेल या फिर रविंद्र जडेजा, ठीक है ना, इन दोनों में से एक को लेके जाना। यहाँ पे अक्षर पटेल का रिकॉर्ड देखोगे 7 मैच में 5 विकेट है और वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी ज्यादा आप अपनी टीम में जडेजा को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मतलब यूनिक बॉलर है, कहीं ना कहीं आपको विकेट लेके देगा और बैटिंग से भी अच्छा पॉइंट दे सकता है। अब बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो साकिब अल हसन और एम हसन मिराज, ये दोनों खेलता हुआ आपको दिखेगा। अब देखो यहां पर बात कर ले दोस्तों साकिब अल हसन की, तो यहां पे देखोगे आप लगातार यहां पे देखो, यहां पे पिछले मैच में 3 रन बनाया था और 0 विकेट मिले थे, विकेट नहीं मिले थे, उससे पहले 53 रन बनाया था, उससे पहले 32, तो साकिब अल हसन भाई हर हाल में इसको लेके जाना चाहिए, बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अब देखो यहां पे 35 का एवरेज है बैटिंग से, उसके बाद 21 मैच में
28 विकेट के लेके गया हुआ है हेड टू हेड में। उसके बाद वेन्यू पे यहाँ पे देखोगे तीन मैच में एक विकेट है और 6 का एवरेज है, तो यहाँ पे वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। अब एम हसन मिराज की बात करें, यहाँ पे 28 रन पिछले मैच में बनाया था। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हेड टू हेड में देखोगे 5 मैच में यहाँ पे 215 रन मात्र में, 71 का एवरेज है हेड टू हेड में, 71 का एवरेज है और 5 मैच में 4 विकेट भी लेके गया हुआ है। तो हेड टू हेड में जब इंडिया के अगेंस्ट खेलता है ना एम हसन मिराज तो अच्छा करता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब 4 मैच में 2 विकेट है यहाँ पे वेन्यू पे और 20 का एवरेज है, तो एम हसन मिराज इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा, जरूर से अपनी टीम में कंसीडर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंडिया की तरफ से कौन कौन खेलने वाला है। तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खेलता हुआ दिखेगा। सिराज की जगह हो सकता है मोहम्मद शमी को खिलाया जाए, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा होगा तो मोहम्मद शमी को हम कैसे कंसीडर करेंगे वो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। कुलदीप यादव को तो लेके जाना ही है भाई, 4 विकेट पिछले मैच में, उससे पहले 5 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 4 विकेट है, उसके बाद वेन्यू पे 6 मैच में 14 विकेट है, तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में भी, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को अच्छा खासा विकेट से मिलता है। अब जसप्रीत बुमराह की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, लेके जाना है हेड टू हेड में 4 मैच में 10 विकेट है, यहाँ पे वेन्यू पे 4 मैच में 7 विकेट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी छोड़ना नहीं है। मोहम्मद सिराज को यहाँ पे देख सकते हो हेड टू हेड में 3 मैच में 6 विकेट है, उसके बाद यहाँ पे 2 मैच में 1 विकेट है, तो मोहम्मद सिराज को कैसे आप जैसे कि कुछ टीमों पर लेके जाना, कुछ टीमों पर ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो नसूम अहमद खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद। अब इन चारों में कौन इंपॉर्टेंट होगा वो फाइनली हम देख लेते हैं। देखो नसूम अहमद यहाँ पे 15 रन, 0 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, यहाँ पे देखोगे हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है, यहाँ पे वेन्यू पे भी 1 मैच में 0 विकेट है, तो नसूम अहमद, हालांकि मुझे लगता है कि नसूम अहमद को ट्राई करना चाहिए आपको कुछ टीमों पे, चूंकि यहाँ पे नसूम अहमद को विकेट से मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो तस्कीन अहमद की बात करें तो लेके जाना है हर हाल में, देख सकते हो 3 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट लगातार है, 7 मैच में 14 विकेट है हेड टू हेड में, मतलब कि हेड टू हेड में बहुत अच्छा करता है। उसके बाद वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट है, तो हेड टू हेड में जब इंडिया के खिलाफ खेलता है ना तस्कीन अहमद तो अच्छा खासा करता है भाई, अच्छा विकेट लेके गया, हर मैच में 2 विकेट लेके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम की बात करें तो कंसिस्टेंट है, लगातार विकेट ले रहा है, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट है और हेड टू हेड में रिकॉर्ड नहीं है, तो शरीफुल इस्लाम को कुछ टीमों पर लेके जाना, कुछ टीमों पर ड्रॉप कर सकते हो, मतलब रोटेशन वाइज आप लेके जा सकते। हसन महमूद मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन फिर भी यहां पे वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट लेके गया हुआ है और हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट से, मतलब विकेट नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम दोस्तों देख लेते हैं प्लेयर बैटल। तो प्लेयर बैटल कुछ है, कुछ खिलाड़ियों का है यहां पे, आप देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो रोहित शर्मा को साकिब अल हसन ने यहां 111 बॉलों में 96 रन देकर के 2 बार आउट किया हुआ, तो ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। रोहित शर्मा ने तस्कीन अहमद को यहाँ पे 60 बॉलों में 56 रन देकर के 1 बार आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 5 बार देखो साकिब अल हसन, विराट कोहली को 5 बार आउट किया हुआ है 148 बॉल में 140 रन देकर के। उसके बाद तस्कीन अहमद भी 1 बार आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे लोकेश राहुल को हसन मिराज ने 1 बार आउट किया हुआ है। उसके बाद ईशान किशन को यहाँ पर तस्कीन अहमद ने 1 बार आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि मोहम्मद सिराज ने लिटल दास को 2 बार आउट किया हुआ है 22 रन में 17 रन देकर के। उसके बाद कुलदीप यादव ने यहाँ पे 1 बार आउट किया हुआ है लिटल दास को। हार्दिक पांड्या ने भी 1 बार आउट किया हुआ है। अक्षर पटेल ने 2 बार आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक बार देखोगे, नजर डालोगे तो यहाँ पे साकिब अल हसन को 3 बार आउट किया हुआ है रविंद्र जडेजा, ठीक है ना। उसके बाद कुलदीप यादव ने 1 बार आउट किया हुआ है और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने 1 बार आउट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अनामुल हक को मोहम्मद सिराज ने 2 बार आउट किया हुआ है। उसके बाद अक्षर पटेल ने 1 बार आउट किया हुआ है। कुछ इस तरह से मेहदी हसन मिराज को यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने 1 बार आउट किया हुआ है। तो ये प्लेयर बैटल है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम में बॉलर्स को कंसीडर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग किस बैट्समैन को ड्रॉप करना है वो भी आप यहाँ पे बड़े इजीली कर सकते हो। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन इन फर्स्ट कॉमेंट, कर लेना भाई, जरूरी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ओवर बॉलर बाय बॉलर्स हम देख लेते हैं। आगे आपको 2 टीम भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवर बॉलर बाय बॉलर्स में इंडिया की तरफ से कौन स्टार्टिंग ओवर करेगा, पावर प्ले में कौन आएगा, उसके बाद डेथ ओवर कौन करेगा, उसको बताने से पहले गिवे का सवाल पूछता हूँ। वही सवाल है, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट्स गिरेंगे और रन्स कितने बनेंगे, इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट में जाकर देना है। तो फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट कर दो और भाई इस वीडियो को वायरल कर दो यार,
अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा शेयर करो ना, अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार है ना भाई, थोड़ा भी चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी तरह का वीडियो लाऊं, तो आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग ओवर करता हुआ दिखेगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये दोनों स्टार्टिंग ओवर आपको इंडिया की तरफ से करता हुआ दिखेगा। उसके बाद पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, दोनों पावर प्ले में जाएंगे। डेथ ओवर में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अब देखो बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर करता हुआ दिखेगा हसन महमूद और तस्कीन अहमद, पावर प्ले में यहाँ पे तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम, डेथ ओवर यहाँ पे शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद और तस्कीन अहमद, ये तीनों डेथ ओवर करता हुआ दिखेगा। ये जानना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे फाइनली आप बॉलर को अपनी टीम में बड़े इजीली कंसीडर कर सकते हो। चलो यहाँ पर हम दो टीम दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक तो सेफ टीम है और एक रिस्की टीम है, और सेफ टीम में मैंने किस चीज को लिया हुआ है, तो यहाँ पर लोकेश राहुल को लिया हुआ है। इसके बाद में आपको सीबीसी का कंटेंडर भी बताऊंगा और ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लोकेश राहुल को विकेट कीपर सेक्शन में लिया हुआ है, बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा को लिया हुआ है, विराट कोहली को लिया हुआ है, सुमन गिल को लिया हुआ है। उसके बाद साकिब अल हसन को मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में लिया हुआ, हार्दिक पांड्या को लिया हुआ, एम हसन मिराज को लिया हुआ है, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग सेक्शन में लिया हुआ, तस्कीन अहमद को लिया हुआ है, मोहम्मद सिराज को लिया हुआ और कुलदीप यादव को लिया हुआ है। तो कुछ ऐसा सेफ टीम है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रिस्की टीम में हमने ईशान किशन को, लोकेश राहुल को ड्रॉप किया हुआ है, उसके बाद विराट कोहली को यहाँ पे हमने लिया हुआ है, सुमन गिल को लिया हुआ है और रोहित शर्मा को यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है और तौहीद को लिया हुआ है, साकिब अल हसन को यहाँ पे लिया हुआ, हार्दिक पांड्या को लिया हुआ है, एम हसन मिराज को लिया हुआ है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह को लिया हुआ, तस्कीन अहमद को लिया हुआ, शरीफुल इस्लाम को लिया, कुलदीप यादव को लिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो ना भाई, देखो यहाँ पर हसन मिराज की जगह आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, हसन मिराज की जगह आप जाडेजा को भी ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो टीम बता दिया। अब देखो ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पे तौहीद आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे शरीफुल इस्लाम ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन साबित हो सकता है, तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर सिराज यहाँ पे ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपके लिए साबित हो सकता है इस मैच में, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब सीबीसी का राइट कंटेंडर जानना जरूरी है। देखो सीबीसी का कंटेंडर तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा को रखते हो तो ट्राई करना सीबीसी, विराट कोहली को भी ट्राई कर सकते हो, तो ये तीनों जो है ना भाई टॉप ऑर्डर का ये तीनों बैट्समैन जो ना आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साकिब अल हसन को यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर ज्यादा रिस्की आप रिस्क लेना चाहते हो ना, तो एम हसन मिराज को भी आप सीबीसी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को ट्राई करना, उसके बाद कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हो। ये सब जो है ना सीबीसी का कंटेंडर है भाई, ठीक है ना, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप के दोस्तों ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलते चलाते दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर से देना, वीडियो आपके लिए कैसी रही अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का फायदा सब लोग उठा सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।